अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक और खैरियत से। उम्मीद है आप सब भी खैरियत से होंगे। आज हम आपके साथ चिकन नहारी की रेसिपी शेयर करेंगे। पहले हमने आपको बीफ की नहारी बनाना सिखाई थी, घर के मसाले से हमने आपको बीफ की नहारी बनाना सिखाई थी। आज हम आपको शान नहारी मसाले से चिकन नहारी बनाना सिखाते हैं, वो भी आसान तरीके से। तो चलते हैं प्रॉपर अपनी रेसिपी की तरफ और रेसिपी को करते हैं स्टार्ट। चिकन नहारी बनाने के लिए जिन जिन चीज़ों की हमें ज़रूरत पड़ेगी वो ये हैं। यहाँ हमने 1/2 kg चिकन ली है, जिसे हमने अच्छी तरह से वॉश कर लिया है। इसमें ज़रूरत हमने लेमन, हरा धनिया, हरी मिर्चें और अदरक, ये तमाम चीज़ें जो हैं वो नहारी के अंदर ऐड की जाएंगी। गार्निश में इन तमाम चीज़ों का इस्तेमाल बहुत ज़रूरी है, इसलिए। और यहाँ हमने लिया है शान नहारी मसाला, क्योंकि हमने 1/2 kg चिकन ली है इसलिए हमने 1/2 kg, यहाँ हमने 1/2 kg का नहारी मसाला पैकेट लिया है। हम आपको सिखाएंगे 1/2 kg चिकन नहारी बनाने का तरीका, इसलिए हमने यहाँ पर साशा भी जो है वो 1/2 kg का लिया है। चलते हैं प्रॉपर अपनी रेसिपी की तरफ और रेसिपी करते हैं स्टार्ट। नहारी बनाने के लिए यहाँ हमने एक कढ़ाई ली है और हम इसमें ऐड करेंगे 1/2 कप ऑयल। यहाँ पर हमने 1/2 कप ऑयल लिया है। ऑयल जो है वो अच्छी तरह से गर्म हो चुका है। अब हम इसमें एक लार्ज साइज़ की प्याज जो हमने कटिंग कर ली है इस ऑयल के अंदर ऐड कर देंगे और इसे कुक करेंगे। लाइट गोल्डन हमें इस प्याज को करना है। यहाँ हमने एक बॉल लिया है, अब हम इसमें शामिल करेंगे शान नहारी मसाला, इसमें हम ऐड कर देंगे और इसमें हसबे ज़रूरत पानी ऐड करेंगे और इस मसाले को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। यहाँ पर देख सकते हैं हमने हसबे ज़रूरत पानी डाल के इस मसाले को अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। इसको हम रखेंगे एक साइड पर और आगे जो है वो नेक्स्ट स्टेप के अंदर इस मसाले का इस्तेमाल होगा। मैदा और आटा दोनों मिक्स करके हम डालेंगे। यहाँ हमने 3 टेबल स्पून मैदा लिया है और 2 टेबल स्पून इसमें हमने आटा ऐड कर दिया है। ये मुकम्मल तौर पे जो है वो 1/2 कप हो गया। नहारी में डालने के लिए हमें एक मिक्सचर तैयार करना है ताकि हमारी नहारी अच्छी तरह से ठीक हो जाए। उसके लिए हमने आटा और मैदा दोनों ही इस्तेमाल करेंगे। यहाँ हमने 3 टेबल स्पून मैदा लिया है और 2 टेबल स्पून आटा लिया है। टोटल ये हो गया है 1/2 कप। अब इस 1/2 कप को हम एक बॉल में डालेंगे और थोड़ा थोड़ा हम इसमें हसबे ज़रूरत पानी ऐड करेंगे और एक थिक सा बैटर तैयार कर लेंगे। यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग कि यहाँ पर हमने जो है मैदा और आटे का एक मिक्सचर तैयार कर लिया है नहारी को थिक करने के लिए। इसे भी हम एक साइड पे कवर करके रखते हैं, करके एक साइड पे रखते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं कि हम प्याज को कर रहे हैं फ्राई। यहाँ पर देख सकते हैं प्याज जो है वो लाइट गोल्डन होती जा रही है। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन चॉप किया हुआ। यहाँ हमने चॉप किया हुआ अदरक लहसुन अभी चॉप किया है। सादा लहसुन अदरक डालने से हरी में बहुत अच्छी खुशबू आती है, उसका टेस्ट ही बहुत ज़बरदस्त आता है। कोशिश कीजिए कि आप लोग भी अदरक लहसुन जो है फ्रेश यूज़ कीजिए। अदरक और लहसुन को 2 मिनट हो चुके हैं कुक होते हुए, इसका जो कच्चापन है वो ख़त्म हो चुका है। अब हम इसमें करेंगे चिकन ऐड। यहाँ हमने तमाम चिकन को ऐड कर दिया है। अब हम इसे कुक करेंगे, अच्छी तरह से फ्राई करेंगे चिकन को ताकि इसका गोल्डन कलर आ जाए। इसे मिक्स करेंगे और इसे अच्छी तरह कुक कर लेंगे। यहाँ देख सकते हैं वो अच्छी तरह से कुक हो चुकी है। अब हम इसमें ऐड करेंगे शान नहारी मसाला। यहाँ हम थोड़ा सा पानी भी ऐड कर रहे हैं मसाले के साथ ताकि हमारा मसाला जो है वो नीचे ना लगे। अब हम इसको करेंगे मिक्स। गोश्त डालने के बाद हम इसे अच्छी तरह से करेंगे मिक्स माशाल्लाह से। यहाँ देख सकते हैं चिकन नहारी का मसाला अच्छी तरह से भून चुका है, ऑयल सेपरेट हो चुका है। ये देख सकते हैं आप, ये मसाला हमने अच्छी तरह भून लिया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे आटा और मैदे का मिक्सचर। थोड़ा थोड़ा डालते जाएंगे और इसको चम्मच चलाते जाएंगे। यहाँ पर हम देखें थोड़ा थोड़ा आटा और मैदे का मिक्सचर इसमें डालते जाएंगे और इसको चम्मच चलाते जाएंगे।
ताकि इसमें कोई लम्स ना रहे। देखें काफ़ी ठीक होता जा रहा है। फिर हम इसमें थोड़ा सा मिक्सचर डालेंगे और उसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। देखिए काफ़ी ठीक हो चुकी है नहारी हमारी। अगर आपको ज़्यादा ठीक नहारी चाहिए तो मज़ीद और आटा और मैदे का मिक्सचर डालिएगा, वरना तो फिर रहने दीजिएगा। हाँ देखिए कितनी ठीक हो चुकी है, अब हमें मज़ीद मिक्सचर की ज़रूरत भी नहीं है। ये देखें काफ़ी ठीक हो चुकी है नहारी हमारी, अब हमें इससे ज़्यादा ठीक नहीं रखनी है। अब हम जो है मैदे और आटे का मिक्सचर बिल्कुल भी इसमें ऐड नहीं करेंगे, बल्कि अब हम इसमें क्या करेंगे, हाफ कप पानी ऐड कर लेंगे। ये देखिए हाफ कप हमने पानी ऐड कर लिया है, क्योंकि अभी चिकन में जो कसर रह गई है बाकी गलने के लिए वो भी गलेगी, और हमारी नहारी भी जो है वो आटे का कच्चापन भी ख़त्म करने के लिए इसमें हमने हाफ कप पानी ऐड कर दिया है, और इसी में जो है हमारी चिकन भी गल जाएगी। अब हम इसे कवर करके रखते हैं 15 मिनट के लिए लो मीडियम फ्लेम पर, और मिलते हैं आपसे 15 मिनट के बाद। फिर हम आपको इसका लुक दिखाएंगे। यहाँ देख सकते हैं चिकन नहारी को पकते हुए 15 मिनट हो गए, हमने इसे लो मीडियम फ्लेम पर रखा था। अब हम इसका कवर हटा के दिखाते हैं आपको इसका लुक। ये देखिए माशाल्लाह से आप लोग देख सकते हैं ऑयल जो है इसका सेपरेट हो चुका है, और माशाल्लाह से काफ़ी अच्छी तरह से ये कुक हो गई है। मैं आपको चलाकर भी दिखा देती हूँ इसको। ये देखें माशाल्लाह से किस कदर ठीक, माशाल्लाह ठीक हो चुकी है नहारी हमारी, और रोगन भी सेपरेट हो चुका है। यहाँ पर मैं आपको तारुफ करा देती हूँ इन चिकन की बोटियों का। ये देखें गोश्त भी इसका गल चुका है अच्छी तरह से, यहाँ पर आप देख सकते हैं फोक की मदद से हमने इसको कट करके दिखाया है। और ये देखें गोश्त भी गल चुका है, चिकन का जो गोश्त है वो भी टेंडर हो चुका है, और नहारी हमारी रेडी हो चुकी है। तो हम इसमें तड़का लगाएंगे जो टेस्ट है वो और दुबाला हो जाए। चिकन नहारी की गार्निश के लिए हमने यहाँ पर बड़ी वाली हरी मिर्चें ली हैं, जिसे हमने कटिंग कर लिया है। यहाँ पे नींबू की कटिंग कर ली, हरा धनिया बारीक चॉप कर लिया है, और यहाँ बारीक काट लिए हैं। यहाँ पर हमने अदरक को जुलिन कटिंग कर लिया है। इस तरह हमने चारों चीज़ें जो कि नहारी में जो है इस्तेमाल होती हों उनकी कटिंग कर ली है। इन तमाम चीज़ों के बगैर नहारी इनकम्प्लीट है, इसलिए लिहाजा इनका इस्तेमाल नहारी में बहुत ज़्यादा किया जाता है। और आप भी माशाल्लाह से आप लोग भी अपने अपने घरों में इनका इस्तेमाल करते हैं, जिससे नहारी में एक जायका आ जाता है, एक टेस्ट आ जाता है, एक रौनक सी आ जाती है नहारी के ऊपर। तो अभी हम इसमें लगाएंगे नहारी में तड़का, उसके बाद इन तमाम चीज़ों को ऐड करेंगे। और हमने तड़का लगाने के लिए एक पैन ले लिया है, इसमें हम 3 टेबल स्पून घी ऐड करेंगे। यहाँ पर जो है घी गर्म हो चुका है, अब हम इसमें ऐड करेंगे। यहाँ हमने एक छोटे साइज की प्याज ली थी जिसे हमने कटिंग कर लिया है। अब इस घी के अंदर उस प्याज को कटी प्याज को ऐड करेंगे, क्योंकि हम लगा रहे हैं नहारी में तड़का। जो है वो रेडी कर रहे हैं, यहाँ पर प्याज जो है वो कुक हो रही है। जब ये अच्छी तरह से कुक हो जाएगी, गोल्डन हो जाएगी, तो फिर हम इसमें एक चीज़ ऐड करेंगे। चिकन नहारी रेडी हो चुकी है, हम इसका फ्लेम को कर देंगे ऑफ और मज़ीद चीज़ें इसमें ऐड करेंगे। यहाँ हम जुलियन कटी हुई अदरक ऐड करेंगे हसब ज़रूरत, और यहाँ पर हरी मिर्च ऐड करेंगे, और यहाँ बारीक कटा हरा धनिया ऐड करेंगे। तो इन तमाम चीज़ों को ऐड करने के बाद इसको, यहाँ पर प्याज अच्छी तरह से कुक हो रही है, जब इसका कलर गोल्डन ब्राउन हो जाएगा तो हम इसमें ऐड करेंगे कश्मीरी लाल मिर्च। ऐड करने से ये फ़ायदा होता है, जिस तरह आप बाज़ार से आप नहारी लेके आते हैं, कोई तो भी नहारी हो, चिकन हो या बीफ की हो, तो वो उस जैसी घर में भी आप तैयार कर सकते हैं। वो लोग जो है ऊपर से रोगन जो ऐड करते हैं, रोगन तैयार करके नहारी के ऊपर डाल कर देते हैं। तो इसी तरह से हम भी आपको इसी तरह की नहारी बनाना सिखा रहे हैं घर के अंदर होमवर्क तरीके से। यहाँ देखिए प्याज जो अच्छी तरह गोल्डन हो गई है, अब हम इसमें 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च ऐड करेंगे, और इसे अच्छी तरह करेंगे मिक्स। और अब हम नहारी पे लगाएंगे तड़का। माशाल्लाह से बाजार जैसी चिकन नहारी रेडी हो चुकी है, अब हम इसे डिश आउट करते हैं और इसका फाइनल लुक आपको दिखाते हैं। माशाल्लाह यहाँ देख सकते हैं चिकन नहारी जो है वो रेडी हो चुकी है, और इसे हमने गार्निश किया है हरी मिर्चें, हरा धनिया, बारीक कटी अदरक के साथ। अगर आपको हमारी ये रेसिपी अच्छी लगी है तो हमारी रेसिपी को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, इसी तरह देखते रहें हमारा चैनल फेमस फूड। थैंक्स फॉर वॉचिंग।